बच्चे की माँ बिलक बिलक कर रो रही है और बच्चे के पिताजी भी हमारे साथ में। सर देखिए अंदर से कुंडी लगा रखी है इन्होंने, है सर कोई? देखिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि डॉक्टर्स ने यहाँ पर अंदर से कुंडी लगाई हुई है। मीडिया से आप अपनी सफाई भी तो दे सकते हैं डॉक्टर, जब हॉस्पिटल में भीड़ अब तक है ना यहाँ पे पीसफुली बैठी हुई है। 1,20,000 रूपए ये तो किसी फोर्टिस या मेदांता हॉस्पिटल में भी इतने लिए जाते चार्ज। ये बोले आप किसको इलाज करवाओ तो अच्छा करवा लो और पैसा लिया हो, ठीक है? मैं बोलती ठीक है, मैंने 15 मिनट दे रहा आपसे। पहले तो हम इनसे बोलना चाहते हैं कि जो बच्चे की पूरी मेडिकल सर्विस की जो रिकॉर्ड है ना इनकी, पहले तो वो रिकॉर्ड हमारे हाथ में दे। डिस्चार्ज हमने लिया नहीं है, ना ही हम बॉडी लेने वाले हैं। और माननीय अनिल भी साहब, उनका भी पिछली बार भी यहाँ पे घटना हुई थी, हम यही भी गांव के रहने वाले, हफ्ते पहले यहाँ पे घटना हुई थी, हमारे को पता ही है। रात्रि के 11 बजे हुए हैं, हम सेक्टर 12 में स्थित हैं और गिरिराज जी चिल्ड्रन हॉस्पिटल के सामने स्थित है। यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में लोग स्थित है, इन्होंने रोड को जाम किया गया है। यहाँ पर हमने खुद जाकर देखा है कि इनका जो एक बच्चा एडमिट था इस हॉस्पिटल में, उसको डॉक्टरों की लापरवाही बता रहे हैं ये लोग, डॉक्टरों की लापरवाही से बच्चे की जान गई है। खुद हॉस्पिटल का नज़ारा देख सकते हैं कि इसी हॉस्पिटल के अंदर है बच्चा एडमिट था, गिरिराज चिल्ड्रन हॉस्पिटल है। लाइव रिपोर्ट दिखा रहे हैं आपको, भीड़ काफ़ी बढ़ती जा रही है और मौके पर पुलिस प्रशासन भी है। यहाँ पर हमने बच्चे के पिताजी माँ सबसे बातचीत करने की कोशिश की, बिलक बिलक कर बच्चे की मार हो रही है और आरोप लगा रही है कि डॉक्टरों ने पैसे की लेन देन को लेकर उसके इलाज में कोतूहलता बढ़ती जिससे बच्चे की जान चली गई। इस प्रकार से अगर साइबर सिटी गुड़गांव में हॉस्पिटल में बैठे डॉक्टर्स अगर पैसों के नाम पर बच्चे की जिंदगी ले सकते हैं तो किस प्रकार से कितना बड़ा संगीन मामला है। चिल्ड्रन हॉस्पिटल के अंदर आप पहुंचे, यहाँ पर डॉक्टर को हम छानबीन कर रहे हैं लेकिन डॉक्टर यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे। ये गेट लगा हुआ है, इस पर भी हम देखते हैं कि अंदर है कोई। देखिए अंदर से कुंडी लगा रखी है इन्होंने, है सर कोई? देखिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि डॉक्टर्स ने यहाँ पर अंदर से कुंडी लगाई हुई है और बाहर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, बच्चे की मौत हो गई है। इनका लोगों का आरोप है कि पैसे के ऊपर यहाँ पर जो एक बड़ा बवाल किया था इन्होंने, बच्चे को दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट नहीं करने दिया, पैसे की मांग पर अड़े रहे और यहाँ पर जो बच्चे की मृत्यु हुई है उसके परिजनों ने रोड को जाम किया हुआ है। बाहर अंदर आके हमने खुद मुआयना किया है, डॉक्टर यहाँ से गायब है, अंदर से कुंडी लगाई हुई है। ये हॉस्पिटल के अंदर का नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं, गिरिराज जी चिल्ड्रन हॉस्पिटल है, सेक्टर 12 के अंदर पड़ता है। बाहर रोड पर लोगों ने जाम किया हुआ है और बाहर पुलिस भी है। चलिए बाहर जाके बातचीत करने की कोशिश करते हैं। काफी बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग वहां इकट्ठे हैं। आइए सर, जिस प्रकार हमने अंदर जाकर इन्वेस्टिगेशन किया, डॉक्टर्स है नहीं और एक रूम के अंदर कुंडी लगाई हुई है, हमने गेट को खटखटाने की कोशिश की, गेट को भी नहीं खोला गया, तो किस सवाल या निशान उठना तो लाजमी है। डॉक्टर साहब तो अंदर हैं, हमने मिला था, डॉक्टर हाजिर हैं अंदर हैं, पर अभी हमने जाकर देखा तो उन्होंने गेट लगा रखा है और नहीं खोल रहे, मीडिया के सामने आने से कतरा रहे हैं। वो इसलिए भीड़ है, इसके लिए नहीं खोल रहे होंगे। मीडिया से आप अपनी सफाई भी तो दे सकते हैं डॉक्टर, जब हॉस्पिटल में भीड़ अब तक है ना यहाँ पे पीसफुली बैठी हुई है, अगर कुछ भी हरकत उरकत। अब ये बेचारे ये तो पीड़ित है, ये कोई मार धाड़िया कुछ तोड़फोड़ करने वाले लोग। डॉक्टर अभी गायब हो गए यहाँ से, क्या कहना चाहोगे? डॉक्टर तो गायब होंगे, उनको पता जेल जाना उनको, और हम तो पहले ही बोलने लग रहे हैं जब तक ये जेल नहीं जाएंगे ना और हॉस्पिटल सीज नहीं हो जाएगा हम यहाँ से नहीं लेंगे। सेक्टर 12 के अंदर हम स्थित है, गिरिराज जी चिल्ड्रन हॉस्पिटल है। यहाँ पर लोगों ने बहुत बड़ा जाम किया हुआ है, बहुत बड़ी तादाद में लोग बाग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर स्थित है। अंदर जाके हॉस्पिटल में हमने देखा कि डॉक्टर यहाँ से गायब हो गए, कोई भी डॉक्टर्स नहीं है। बच्चे की माँ इधर बिलक बिलक कर रो रही है, आप देखिए किस तरीके से, आप देख सकते हैं कि जो बच्चे की जान गई है उसको देखते हुए बच्चे की माँ बिलक बिलक कर रो रही है और बच्चे के पिताजी भी हमारे साथ में। सर हमने अंदर जाके देखा, डॉक्टर यहाँ पर है नहीं, अंदर से कुंडी लगा रखी है। हमारा लड़का अल्टरनेटर पे लेने बाद में 5 मिनट में अंदर गया तो उसके मुंह में सोन और ऊपर से दाब दे रहा, वो मर गए थे। 5 मिनट में मार दे उन्होंने, बाहर आया मैं इतनी देर में उन्होंने मार दिया। देखिए बहुत ही बड़ा मामला है, देखिए ये बच्चे की मां ना ना नी मैं पानी पिला गई, किस प्रकार से बिलक बिलक कर रो रहे हैं। लोगों का आरोप है कि अगर बच्चे की किन्हीं कारणों से मौत हुई है तो डॉक्टर आकर सफाई दें, डॉक्टर अंदर से गायब हो गए। हमने खुद जाकर हॉस्पिटल का मुआयना किया, सेक्टर 12 के अंदर यह हॉस्पिटल स्थित
स्थित है श्री गिरिराज जी चिल्ड्रन हॉस्पिटल। आकर देखने वाली बात है कि इस पर क्या कदम उठता है स्वास्थ्य मंत्री या हरियाणा सरकार, किस तरीके से इस पर मामले को संज्ञान में लेती है। क्या हुआ था कार्तिक को जैसे यहाँ हॉस्पिटल लेके आए आप? उसके शरीर पर दाने वगैरह हो रहे थे जी, तो एक दो दिन बुखार ही हो गया था उन्होंने। हाँ, बुखार हो गया था, बस बुखार में ही हमने एडमिट कराया था रात में। पटन दिखो पे तो सब लोग हॉस्पिटल ले इनके हॉस्पिटल में। वैसा ही इन्होंने जान पूछ के मारा है। अच्छा, हमने ये छोटी लेन की कही थी कि हम जा रहे हैं अपने सरकारी में लेके जाएंगे जी। तो जो आप अपने बच्चे को सरकारी हॉस्पिटल में ले जाना चाह रहे थे, तो क्या इन्होंने जाने नहीं दिया आपको? जाने नहीं दिया सर। तो क्या इस प्रकार की क्या कोई पैसे वैसे की लेन देन या किसके लिए? हाँ जी, पैसे के लिए हो रही थी लेन देन। तो बच्चे की एम्बुलेंस खड़ी होने के बाद भी इन्होंने एम्बुलेंस नहीं भेजी। मैंने खुद अपना फोन से एम्बुलेंस वाले ने 7,500 रुपये मांगा। एम्बुलेंस आने के बाद, मैं लड़के का मामा हूँ जी, ठीक है, एम्बुलेंस आने के बाद वो क्या कह रहे हैं वहाँ पर, मैं बोला वहाँ पे ले जा रहा हूँ राम मनोहर हॉस्पिटल में। ये कह रहे नहीं राम मनोहर हॉस्पिटल में तो जगह ही नहीं मिलेगी राम मनोहर हॉस्पिटल में तो। अच्छा, इन्होंने अंदर जाकर नहीं क्या सेट फट करके आए हैं। इन्होंने कहा उस हॉस्पिटल में जाना, मैदानता में कह रहे थे इनका कोई एमआईडीसिटी में ये कोई जान पहचान है, मुझे नहीं पता क्या चक्कर था इनका। पहले हमारा बिल क्लियर करो जब हम जाने देंगे। अच्छा, एम्बुलेंस बिल क्लियर की चाहिए, हम कह रहे थे बच्चे को पहले एडमिट करा। मुझे ये बैठने में नहीं दे रहे हर बात के। 10,000 रुपये 20,000 रुपये 30,000 रुपये ऐसे मैं थोड़ी देर बैठता हूँ सर पेमेंट। मैंने भीक तक मांग ली, कल 500 रुपये किसी से ले रहा हूँ, 10,000 सबसे पहले जो डॉक्टर जो हॉस्पिटल सर्विस है ना यहाँ पे, पहले तो हम इनसे बोलना चाहते हैं कि जो बच्चे की पूरी मेडिकल सर्विस की जो रिकॉर्ड है ना इनकी, पहले तो वो रिकॉर्ड हमारे हाथ में दे। डिस्चार्ज हमने लिया नहीं है, ना ही हम बॉडी लेने वाले हैं। और माननीय अनिल विज साहब जो स्वास्थ्य मंत्री जी है, ये इनका रवैया कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस हॉस्पिटल में पहले भी कांड हो चुके हैं। और जो डॉक्टर ये अनुराग ठाकुर और मोहित अग्रवाल, जब तक पुलिस इनको अरेस्ट नहीं कर लेगी और इस हॉस्पिटल को हम सीज करते हुए नहीं देख लेंगे, तब तक हम यहाँ से हटेंगे भी नहीं और भीड़ ये और बढ़ती रहेगी। और मैं एक बात और बता देता हूँ, इस केस के अंदर आईओ इन्वेस्टिगेशन जो होगा वो ACP होगा, क्योंकि ये SC ST एक्ट है। और यहाँ पर इन डॉक्टरों के ऊपर जब तक FIR के अंदर SC ST एक्ट नहीं लग जाएगा, हम यहाँ से हिलने वाले नहीं है। ये आप आराम से इस चीज़ को समझ लीजिए, ठीक है। तो आगे आप क्या कार्रवाई चाहते हो? आगे कार्रवाई कुछ भी नहीं है, जो हम पीसफुली हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, मेडिकल सर्विस की जितने भी रिकॉर्ड है, इस बच्चे को जो ट्रीटमेंट दिया है, हम वो ट्रीटमेंट की स्टेटमेंट चाहते हैं। और स्टेटमेंट लेने के बाद में हम यहाँ से जो FIR इनके ऊपर बनती है, और ये बच्चा वाल्मीकि समाज से है, SC ST एक्ट इसके अंदर लगता है। इस एक्ट लगने के बाद में IO इन्वेस्टिगेशन ACP रैंक के होते हैं। ACP साहब यहाँ पे आइए, इनको अरेस्ट कीजिए, हॉस्पिटल को तुरंत यहाँ पर सीज करिए, और फिर इसके बाद में हम यहाँ से जा सकते हैं और बॉडी भी हम जब लेंगे। आप मानते हैं कि अगर पैसे की ये जिद ना करते तो बच्चे की जान बच जाए? बिल्कुल बच सकती थी, पैसे चाहिए बच्चे की। आप एक बात बताइए, कैमरा घुमाइए, एक मिनट सुनिए, कैमरा घुमाइए, हॉस्पिटल के अंदर एम्बुलेंस नहीं खड़ी हो तो बताओ? अगर हॉस्पिटल के अंदर एम्बुलेंस खड़ी है तो ये जो पेरेंट्स है ये बच्चे को, मतलब कहीं अगर आप किसी हॉस्पिटल से रेफर करते हो तो आप भी तो हॉस्पिटलाइज कर सकते हो। जब ट्रिपिकली कंडीशन है बच्चे की, जान माल को इतना ही वो है, तो आप एम्बुलेंस का जुगाड़ करवाइए। और ये पैसे, सिर्फ पैसे की बात थी, इन्होंने बोला जब तक पैसे दोगे नहीं है ना हम यहाँ से जाने नहीं देंगे, अपनी एम्बुलेंस करके लाना और पैसे का जुगाड़ करके लाना। ये लड़के का मामा है, इन्होंने फिर भी बोला कि आप हमारे जेवर उवर जो भी हमारे से रखना चाहते हो रख लो, लेकिन अभी बच्चे को जाने दो, हम तब तक हटेंगे नहीं जब तक इन दोनों डॉक्टरों को और जो भी पूरी टीम है, और इनकी सर्चिंग भी करवाएंगे यहाँ पर जितने भी केस है जो भी बिगड़े हुए हैं। मैं ऑनलाइन आपके मीडिया के माध्यम से एक बात और बोल देना चाहता हूँ, ये जो गिरिराज बालजी चिकित्सालय हॉस्पिटल है, यहाँ पर जो भी पीड़ित और भी लोग थे, जिन लोगों की किसी ना किसी वजह से और भी मुद्दे, कोई भी जिसके साथ भी कोई घटना हुई थी, क्योंकि अभी पिछली बार भी यहाँ पर घटना हुई थी, हम यहीं भी गाँव के रहने वाले, हफ्ते पहले यहाँ पर घटना हुई थी, हमारे को पता ही है। मेरा नाम विकास कांगड़ा, और जो ये लड़के का जो मामा है ना, ये हमारे रिश्तेदार लगते हैं, और गुड़गांव गाँव से है हम। तो अभी तक डॉक्टर ने कितने पैसे आपसे ले चुके हैं? डॉक्टरों को पैसे कितने, ये तो यही बता सकते हैं, 1,20,000 पर लेके चले गए हैं। कल से अभी तक 24 घंटे भी नहीं हुए,
1,20,000 रुपए। ये तो किसी फोर्टिस या मेदांता हॉस्पिटल में भी इतने नहीं लिए जाते चार्ज, इस हॉस्पिटल के अंदर इतना ले चुके हैं। तो आप खुद इस चीज का अंदाजा लगा सकते हो कि क्या दुकानें खोली मांग की जा रही थी। बिल्कुल मांग की जा रही है। और तो और ये अब ये बॉडी देने पे भी जो है पैसे की मांग कर सकते थे अगर इस मुद्दे को यहाँ पे ना उठाया जाता और ये लोग सही से अगर आप जवाब नहीं देते तो। डॉक्टर ने सब आम इकट्ठे कर लिए, मेरी बेटी जमाई मेरा बेटा सब इकट्ठा कर लिया। ये बोले आप किसी को इलाज करवाओ तो अच्छा करवा लो और पैसा लिया हो, ठीक है। मैं बोली जी ठीक है, 15 मिनट दे रहा घर तो हो जाए तो ठीक है, नहीं तो अपने नोट। अरे पैसा तो हम और लिया देते, हमने कह दी थी हम अपनी जेब देते 10 मिनट में पता कितने के हजार चेकअप कराऊंगा और उसकी कोई गारंटी ना है। पानी पिलाया मैंने उसको, डायपर बदला, वो नहीं है तो सही साहब मैंने घर ले चल। अरे सही था भैया, फिर बाहर था भीतर ले गया उसने, इसीलिए हम ये गुजारिश कर रहे हैं डॉक्टरों की टीम से कि अगर ये बिल्कुल साफ सुथरे है तो हमारे को बच्चे की पूरी स्टेटमेंट जो समरी होती है वो हमारे को दे दीजिए, हम अपने एक्सपर्टों को वो दिखाएंगे और जो भी इनके ऊपर उचित कार्रवाई होती है हम वो कार्रवाई करवाएंगे। एक पेपर तक नहीं दिया है, अब पेपर बनाने वाले भी यही है, क्या पता है अपनी रिपोर्ट में अपनी तरफ से क्या लिख दे, कुछ पता थोड़ी ना है। ये अनपढ़ गवार लोग बैठे है बेचारे यहाँ पर, रोड को जाम किया हुआ है इन्होंने, तो इस पर क्या कहना चाहोगे? भाई इन्होंने हमारे को मैसेज दिया था एक बच्चा एक्सपायर हो गया उस पर हम आए हैं, ये जैसे रिटर्न में जो कुछ देंगे वैसी हम कार्रवाई कर देंगे, जो भी देंगे लिखित में। अभी इन्होंने हमारे को कुछ दिया, इनका कहना है कि ये एसपी से इसकी जांच कराना चाहते हैं और जब तक बच्चे की बॉडी को लेने के लिए राजी नहीं है जब तक खुद एसपी साहब यहां पर आकर इन्वेस्टिगेशन नहीं करते। वो सीनियर अधिकारी बताएंगे, ये जो कुछ लिख के देंगे उसी पर कार्रवाई होगी। इन्होंने अभी कुछ लिख के नहीं दिया, अभी आपको कुछ लिख के नहीं दिया है? कुछ नहीं दिया इन्होंने, लिख के ये वैसे ही जाम ये खड़े हैं यार को लिख के दिए। देखते रहे सिटी न्यूज़ 24, कैमरामैन गौरव राठौर के साथ मैं वीरू फौजदार।